केंद्रीय सुरक्षा संस्थान ग्रे आयरन फाउंड्री GIF में हुए जोरदार ब्लास्ट से पूरा क्षेत्र दहल गया। फैक्ट्री के आसपास कई किलोमीटर दूर एक के बाद एक तीन धमाके सुने गए। हालांकि इस हादसे में किसी कर्मचारी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। वहीं निर्माणी प्रबंधन ने पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी है। हमारे यहाँ फर्नेस है लोहा गलाने वाली, वो उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। एक्चुअली वो हमारे यहाँ जो 3 टन की भट्टी है उसमें हमारे यहाँ जो COD है, COD का जो मटेरियल गलने के लिए आता है, हफ्ते में कई बार 2 बार आता है, कई बार 1 बार आता है, तो उसमें जो हमारे एक्सपर्ट मेल्टर रहते हैं वो गलाते हैं उसको। लेकिन वहाँ से कई बार ब्लास्ट वाली चीज़ें भी आ जाती। इससे पहले छोटे मोटे हादसे हुए, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा था कि जिसमें हमारी निर्माणी को लगभग 10 लाख की क्षति भी पहुँची, क्योंकि वो भट्टी अब दोबारा बनने लायक स्थिति में नहीं, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। लेकिन हमारे कर्मचारियों की सजगता दी कि उन्होंने उस हादसे में किसी को हताहत नहीं होने दिया, उन्होंने तुरंत पैनल बंद किया और तुरंत ही सबको सचेत करके दूर किया वहाँ से, क्योंकि वो हादसा जिस समय में हुआ था उससे उस समय ढलाई भी चल रही थी और उस भट्टी के आसपास काफ़ी लोग थे। अगर वो हादसा हमारे कर्मचारी जागृत नहीं होते तो बहुत भयानक रूप ले सकता था वो हादसा। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा हादसा है और निर्माण में कहीं ना कहीं क्षति हुई है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं और हमारे कर्मचारियों ने अपने सूझबूझ से निर्माण की बहुत बड़ी क्षति होने से बचाया। जैसे कि हमारे कर्मचारी दौड़े और तुरंत पैनल बंद किया, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि हमारे कर्मचारी बहुत ही काबिल हैं और इस अपनी उन्होंने आज कार्यक्षमता कार्यकुशलता को दर्शाया है कि प्रशासन के जो निर्माण की क्षति नहीं होने दी और कोई भी हमारा कर्मचारी हताहत नहीं हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश है। भारत सिंह यादव ने आज मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भारत यादव पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में प्रदेश के महामंत्री भी रह चुके हैं। भारत सिंह यादव के साथ कांता प्रसाद पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं किसान मोर्चा, किशन सोनी, पूर्व जिला मंत्री आदि कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जबलपुर पुलिस ने बरगी थाना क्षेत्र में एक ढाबे में जुआ खेलते आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दल बल के साथ ढाबे पर दबिश देकर जुआ खेल रहे तकरीबन 9 लोगों को गिरफ्तार कर तकरीबन 83,200 रुपये और 10 मोबाइल जब्त किए हैं। पकड़े गए जुआरियों पर धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि बरगी में बम ढाबा के पीछे जुआ खिलाया जा रहा है, तो क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी बरगी के संयुक्त नेतृत्व में एक टीम जब वहाँ पर रेड करती है तो 9 लोग वहाँ जुआ खेलते हुए पाए जाते हैं और जब वहाँ पर उन पैसे को गिना जाता है तो लगभग 83,000 रुपये इनसे जब्त किया जाकर इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। PM श्री पर्यटन वायु सेवा तथा PM श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संबंध में गुरुवार 14 मार्च को दोपहर 12:30 एयरपोर्ट परिसर डुमना में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। पत्रकार वार्ता को उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह तथा PHE मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने संबोधित किया। कनेक्टिविटी को लेकर स्वाभाविक है ये सवाल उठना कि जब हमारा एयरपोर्ट बन गया, पहले एयरपोर्ट नहीं था, पहले इस एयरपोर्ट पर गाय चरा करती थी, तब स्वाभाविक है कि इस तरफ कोई ध्यान देता नहीं था, ये कोई मानता भी नहीं था कि यहाँ कभी हवाई सेवा की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 46 दिन से ज़्यादा देश की आज़ादी के बाद डेक्कन के आने तक कभी भी कोई हवाई सेवा चली नहीं, तो स्वाभाविक था लोगों की तरफ उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए, डेक्कन आई, फिर किंगफिशर आया, फिर स्पाइसजेट को लाए, फिर एयर इंडिया को लाए, फिर इंडिगो आई, जूम भी थोड़े समय के लिए आई, ऐसे एयरलाइंस आई और हमारी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर थी। लेकिन कोरोना के बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें निश्चित रूप से कनेक्टिविटी कम हुई है, उस दिशा में प्रयास जारी हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से अपनी कनेक्टिविटी को वापस ला पाएंगे।
जबलपुर के रांची थाने के एएसआई मनोज गोस्वामी पर लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार और वसूली के आरोपों के चलते एएसआई को निलंबित करने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना देते हुए एएसआई को थाने से हटाने और निलंबन की मांग कर नारेबाजी की। वहीं सीएसपी रांची के द्वारा मामले को जांच में लेते हुए जांच उपरांत निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही है। कुछ लोग आए हुए हैं जिनकी कुछ मांगे हैं कि उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं या कोई उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या कुछ पुराने मुद्दों को लेकर यहां पे प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे बातचीत चल रही है और उनका जो भी मांगे हैं उस पे अपन विचार करके और त्वरित कार्रवाई करेंगे। निरंतर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशासन का सहयोग करते हैं और हम एक अनुसांगिक संगठनों में से आते हैं जो निरंतर हमारा भी पुलिस का सहयोग होता है और हम भी पुलिस का सहयोग करते हैं, पुलिस भी हमारा सहयोग करती है। इसी अपेक्षा से हम संगठन के हमारे कार्यकर्ता नित आयाम में काम करते हैं। हमारे किसी भी संगठन के कार्यकर्ता को पगार नहीं मिलती है ना पेमेंट मिलती है। राष्ट्र हित तो राष्ट्र हित की भावना से प्रदेश को उज्ज्वल भविष्य करने के लिए जबलपुर में निरंतर हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं, परंतु जब हमारे कार्यकर्ता से 25,000 रुपए ब्लैंक पेपर में साइन करा के एक पुलिस वाले मांग लेते हैं, उसकी शिकायत पुलिस से होती है परंतु उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। शराब के घोटाले में इनके द्वारा एक को आरोपी बनाया गया जिसमें न्यायालय के पेपर पड़े हुए हैं, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए तत्काल किया जाए, परंतु उसमें भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके बाद देखा गया कि और भी इनके जब आपराधिक प्रकरण आए, ये 354 के पचमढ़ी थाना के आरोपी हैं जिनका ट्रायल अभी कोर्ट में चल रहा है, जो कि दांजी थाने में पदस्थ एसआई है, तो संवैधानिक रूप से अगर जो महिला उत्पीड़न का कार्य करेगा, जो महिलाओं से छेड़छाड़ करेगा, जो पैसे लेगा, अगर इस प्रकार के अधिकारी को थाने में थाना चलाने के लिए दरोगा बनाया जाएगा तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये आग्रह है कि अगर इस प्रकार के महिला उत्पीड़न करने वाले, लोगों से पैसा मांगने वाले अगर लोग थाने में रहेंगे तो पुलिस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जिस पुलिस के सहयोग से जनमानस जनसेवा कार्य करता है, हमारे क्षेत्र की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, अगर ऐसे पुलिसकर्मी के ऊपर ही अगर 354 का आपराधिक प्रकरण होगा और वह थाने में रह के थाना चलाएंगे तो बताइए महिला कैसे सुरक्षित रहेगी। कौन पुलिस वाले? क्या मनोज गोस्वामी जी हैं यहाँ पर एएसआई हैं, निरंतर उनके द्वारा जितने कुकृत्य किए गए हैं उसकी यह पूरी फाइल रखी हुई है।